हरे कृष्णा, योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। वेट लॉस का मेरा सब्जेक्ट काफ़ी लंबा चला है, 3-4 वीडियोस मैंने बनाए हैं और टेस्टिमोनियल भी साथ में दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगी स्पेशल डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस। अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी और फास्ट हो जाएगा। सुबह में जब भी आप उठेंगे पहले, तो पहले उठने के बाद आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है। अगर एसिडिटी है तो आप गागर का पानी भी पी सकते हैं या मटके का पानी भी पी सकते हैं। 3 से 4 ग्लास आपको पानी पीना है, धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, जल्दी जल्दी घट घट करके आपको पानी नहीं पीना है। 2 घंटे के बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। और आपको फिर 2 घंटे के बाद भूख लगे तो आपको फ्रूट्स खाने और कुछ भी नहीं खाना है। 12 बजे के आसपास आप जब भी खाना खाएंगे, 12 के बाद ही खाना खाने बैठना है आपको लंच के लिए। तो सबसे पहला काम आपको 500 to 700-800 ग्राम्स आपको पहले सलाद खाना है। सलाद में कुकुम्बर आ गया, यानी काकड़ी आ गई, खीरा आ गया, मूली आ गई, गाजर आ गई, बीट आ गया, जो भी आपको कच्चा उपलब्ध है वह आप ऐसे सलाद यूज़ कर सकते हैं। आप वह ख़त्म करके बाद में खाने के ऊपर आएंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, इतना सारा सलाद खा के फिर भूख किसको लगेगी? 1-2 दिन आपको ऐसे लगेगा, फिर आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी, आपको अच्छी भूख लगेगी। पहले वेट लॉस के लिए आपको सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइबर के साथ भरा हुआ है। यह कंप्लीट करके आपको खाना खाना है। खाने में आप सब्जी, रोटी, जो भी कुछ खाते हैं वह आप खा सकते हैं, लेकिन खाना आपको बहुत ही चबा चबा के खाना है। जब आप खाना खाएंगे, टीवी नहीं देखेंगे, कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, चुपचाप आपको खाना खाना है। और ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका सुबह से लेकर रात तक ऑयल कंजप्शन 1 स्पून ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप रात में जो भी आप खाएंगे डिनर में, तो भी वैसे पहले ही जैसे आपने लंच में लिया है, पहले 500 to 700 ग्राम सलाद खाना कंपलसरी है, उसके बाद ही आपको खाना खाना है। रात का डिनर आपको 7:30 से 8 बजे के अंदर फिनिश कर देना है, लेट टू लेट। 8 बजे के बाद आपको मुँह में कुछ भी नहीं डालना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें आधी रात को भूख लगती है, भूख लगती है तो उठ के गर्म पानी पी के सो जाएं, कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 बजे खाएं, 10 बजे सो जाएं। आप अगर ज़्यादा देर लेट नाइट ईटिंग करेंगे तो वह भी आपको हेल्दी बनाने में मदद नहीं करेगी। भले आपका वेट बढ़े या ना बढ़े, पर आपको बीमारियां तो आएगी अगर लेट नाइट आप ईटिंग करते हैं तो। खाना खाने के और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों को पालन करते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। है ना आसान सी ये बात? इसके साथ आपको पैक्ड फूड का कुछ भी खाना नहीं खाना है, जो पैकेट्स में आता है। ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद रहेगी, बेकरी आइटम्स बिल्कुल बंद रहेंगे। ऑयल 1 स्पून से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। शुगर पे भी आपको बहुत कंट्रोल करना है। 12 बजे तक आपको चाय भी नहीं पीनी है। यह स्पेशल डाइट चार्ट आप अपनाएंगे तो आपका वेट लॉस ज़रूर से हो जाएगा। यह डाइट चार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको वेट लॉस करना है, वज़न कम करना है। जिनको कोई दूसरी टाइप की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, उनके लिए यह डाइट चार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अपने अनुभव मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें।